अमित शाह को और मोदी जी को, कि वो कहते हैं कि हम लोग एक इंच अपने पीछे नहीं हटेंगे, तो हम लोग भी ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग भी एक इंच नहीं हटेंगे। वो अपना चाहे जितना जोर लगा ले, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग भी रोड पे निकलेंगे और एक दिन आवाम की जीत जरूर होगी इंशाल्लाह, यही कहना चाहते हैं। जी आप बोलिए। मकसद सीधा है कि यहाँ पर हम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए, ये पूरे देश की बात है। बात को छुपाई जा रही है कि मुसलमान अगर हिंदू आ सकते हैं, सिख आ सकते हैं। इन्होंने जो असम में लाया, NRC करवाया, इसमें ये फंस गए। अब जब इतने लोग, इतने लाख हिंदू जब उसमें निकले, तो अब क्या किया जाए? ये बुरी तरह से फंस गए ना, मतलब गले में की हड्डी बन गए ना, गलते बने ना निगलते बने। तब इन्होंने CA लेकर आए, है ना। अब यहाँ पर ये हुई कि बात थे, अब मुसलमान दोनों तरफ से हम फ़ायदा उठा लें कि मुसलमान को हम एक तरफ से किनारे कर दें और बाकी लोग, लेकिन मामला उल्टा पड़ गया, क्योंकि यहाँ पर बात तो हो रही है कि आवाज़ दो हम एक हैं। को या आक्रोश आपको खास तौर पर नजर आ रहा है जमशेदपुर की सड़कों पर, जो महिलाएं जो हैं इस काले कानून CA और NRC NPR के खिलाफ जो है सड़कों पर उतर चुकी हैं और अपना एहतजाज, पुरमन एहतजाज दर्ज करवा रही है। आप जहां तक देखेंगे वहां तक आपको महिलाओं का हुजूम नजर आएगा। NRC और कैब जो आप बिल पास करे हैं CA Citizenship Amendment Act, वो आप वापस लें, क्योंकि इसमें जो है मुस्लिमों को, मुस्लिम माइनॉरिटी को जो ये हिंदुस्तान से निकालने की जो साजिश की जा रही है, वो आप बंद करें और ये कानून आप वापस लें। क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है, तो सारे लोग इसके खिलाफ हैं, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, सभी लोग इसके खिलाफ हैं। खास करके गरीब लोग, दलित लोग, जो नीचे तबके के हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, जाहिल हैं, उन लोग कहाँ से कागजात लाएंगे? उन लोग ज्यादा लॉस होगा, लॉस तो सभी को है, लेकिन उन लोग को ज्यादा लॉस है, उसमें सभी कास्ट के लोग हैं। कोई मुसलमान की जो बात है, मतलब जो आप ये प्रूफ दिखाने के लिए बोला जा रहा है, तो वो मतलब इतने 1971 से चाहिए, तो वहाँ बहुत से ऐसे जगह है जहाँ पे सैलाब आते हैं, बाढ़ आते हैं, ठीक है, जलजले आ रहे हैं, ठीक है, अर्थक्वेक आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे आ रहे हैं डिजास्टर, जिसकी वजह से भी तो लोगों के घर तबाह हो जा रहे, तो वो कागजात कहाँ से रखेंगे? तो इसके पीछे आप लोगों का क्या मोटिव है जो इतनी तादाद में सड़कों पर महिलाएं उतरी जमशेदपुर की? तो आप लोग ये कानून क्योंकि औरतें भी इसके साथ हैं, सिर्फ जेंट्स नहीं है, इसके साथ औरतें भी हैं, और वो भी हम लोग जो हमारे घर के जो जेंट्स हैं, जो इसके खिलाफ है, हम लोग भी उनके साथ हैं और ये कानून के खिलाफ हम लोग ये कानून नहीं मानेंगे। ये संविधान, ये गलत हुक्मरानों ने गलत फैसला। खास तौर पर यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर औरतों का गुस्सा, खातिन का गुस्सा सरकार के खिलाफ है कि हम इस काले कानून को नहीं मानते। ये काला कानून जो है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, हिंदुस्तान के संविधान के।